नागौर के अंदर तो अब दमेड़ होने वाला है जोर का। तो को बीजेपी में जाओ जो इडियूस जिससे डरे वो आदमी जाओ बीजेपी। कदरदानो मेहरवानो सांप और नेवले की लड़ाई दिखाएंगे ना। सांप था ना नेवला था और मदारी ढक्के ले गए। बात राजस्थान के लोगों के समझ में आ गई। ठीक है, एक धर्म की अफीम है, लोगों की पीएडी है, मां की भी पीएडी पे। मोदी एकदम झूठा प्रधानमंत्री है और मदारी की कोई गारंटी नहीं होती। मदारी तो सांप और नेवले का नाम लेके ठक्के ले जाता है लोग। और लास्ट में आते वक्त संसद में घुसपैठियों को मार के आया है। यही तो है असली नागौरी सुरा, इसकी बराबरी नहीं कर सकता है कोई भी। तो थाने ले चाला मायरो भरवाने अट ऊंट सगड़ा जाई जो थाने हरियाणा चाला ते साथ चाल जो मायरो भरा 1 करोड़ को बटे। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं नागौर लोकसभा, जहाँ की दोनों प्रत्याशी हैं, एक हनुमान बेनीवाल एक ज्योति मिर्द्या। क्योंकि हनुमान बेनीवाल है वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और ज्योति मिर्द्या है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। फिलहाल पीछे जो लोकसभा सांसद थे वह हनुमान बेनीवाल थे। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कुछ काम वगैरह किए हैं क्या नहीं किए और अब की बार कौन यहाँ से आने वाला है। नमस्कार सर। सर अब की बार हनुमान बेनीवाल यहाँ दोबारा से आ पाएंगे? अभी साहब कोई स्पष्ट है नहीं, टक्कर है जबरदस्त। कुछ काम वगैरह किए उन्होंने? काम हनुमान जी ने तो अपने हिसाब से किया, किसानों के लिए युवाओं के लिए काम तो करते ही हैं, अच्छे कैंडिडेट है वो भी। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कितने कहते हैं अभी जनता के बीच में? वो तो जनता के बीच में तो वो कभी आया नहीं, अभी टिकट लेके आए हूँ। तो काम वगैरह मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किए हैं मोदी जी ने? मोदी जी के काम तो मोदी जी के हिसाब से यहाँ तो क्या बता सकते हैं, क्योंकि ये एक जाट क्षेत्र इसको माना जाता है जिसमें जाट ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जाटों का ज़्यादा दबदबा है। तो वहाँ से कुछ जाटों के लिए मोदी जी ने कुछ काम किया हो या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया हो या कांग्रेस ने कुछ काम किया हो तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो मोदी वाले उससे वोट मिलेंगे, बाकी इनको कैंडिडेट को तो क्या भाई, बीजेपी कैंडिडेट है वो तो बाहर से है, मतलब यहाँ बीच में लोकल तो है नहीं। पहले कांग्रेस चुनाव लड़ा इन्होंने, अभी वापस बीजेपी में ज्योति जी ने। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता है, ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस यहाँ से लगभग 10 या 9-10 बार यहाँ से जीत चुकी है। तो अब की बार कांग्रेस फिर से उसको दोहराएगी या जीत पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी यहाँ से? टक्कर है साहब जबरदस्त, अभी कुछ कहने की स्थिति में है नहीं है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। ग्राउंड से तो है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है उनका, लोकल है यहाँ के और सुख दुख में साथ भी है उनका। अच्छा सर, तो आपको क्या लगता है अब क्या क्या होने वाला है नागौर के अंदर? नागौर के अंदर तो अब दमेड़ होने वाला है जोर का। कुछ नहीं कह सकते हैं नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जीत तो हैं या ज्योति मिट्टे। हनुमान बेनीवाल खूंखार नेता है यहाँ, तो क्या जीत जाएंगे फिर वो सिंह उछले हट तो सिंह उड़े चुनाव में जीत जाएंगे वो? जीतने का भी पता नहीं है। अच्छा, काम में कुछ किए उन्होंने? काम बहुत किए है। अच्छा, मोदी जी ने कैसे काम किए? मोदी की तो हवा है बस, मोदी के हवा के ला रहे तो पूरा सुना लड़ी जाए अभी। नहीं, काम वगैरह किए हैं नहीं किए मोदी जी ने? काम मोदी जी ने घड़ा ही किया है, बहुत काम किया, काम किए हैं उनको। आप कह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल जीत देंगे? हनुमान का अलग प्रभाव है, हनुमान का अलग प्रभाव है, हर एक सभी। अच्छा, रात को भी तैयार मिलते हैं? हाँ, रात रो आधी रात रो तो ही माने बट तैयार लाद है। अच्छा, कोई भी काम होता है काम आप हो जाता है? राम ने जी 12 बजे फोन कट जाए तो फटकारे फोन उठावे, बाकी नेता तो कहीं सुता रहे हुए। अच्छा, लोग मैं जब पीछे से आ रहा हूँ दिल्ली से तो मैं देखा लोग कहते हैं नेता हम जानते नहीं किनको वोट दें, जानते नहीं, वो टोल लिखोन लागे या कई जन की रहे हनुमान बेनीवाल टोल लिखोन लागे फटकारे ऊंचा करे वे फटका, इतनी जल्दी उनकी है फटका फटका ना ऊंचा करे झपीट पड़ जाएगा लीजो। लोग कहते हैं कि हनुमान गुंडागर्दी करते हैं। अब की बार भैया आप युवा हो तो यहाँ से क्या लगता है हनुमान बेनीवाल जीत के पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी आएगी? हनुमान बेनीवाल निकलेगा यहाँ से। इतना माहौल क्यों है? इतना माहौल क्या है भाई, लोगों को देख के वोट दिया जाता है, पीछे नेता है ना हनुमान बेनीवाल नेता है, इसीलिए इसके पीछे चलते हैं सब, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है जनता को।
जो काम कर रहा है उसके पीछे चल रहे हैं सब। मैं देख रहा हूँ लोगों में मतलब दिल में एक हनुमान बेनीवाल की छवि अलग छवि है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा ही है। हर आदमी की सुनवाई होती है ना, गरीब से गरीब किसान की सुनवाई करता है वो किसी में फर्क नहीं समझता, गरीब अमीर में नहीं, कोई जातिवाद है उसके पास। 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला है आदमी है वो। वहीं कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो सिर्फ अपने अपने जो अपने वर्ग है उनके, तो भगवान पर भी लगाते हैं, वो भगवान गलत है क्या? आरोप तो पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है पार्टियों में, उसमें गलत क्या है? तो अब की बार फिर हनुमान बेनीवाल यहाँ से जीत जाएंगे आराम से, हमारी ओर से तो उनको कोशिश है जिताने की। अब जीते कौन, आप वोट दोगे तो जीतेंगे आप? वोट तो दे रहे हैं सब, वोट जिंदा। अच्छा, कांग्रेस जिंदा इनसे रहेगी? इनसे रहेगी कांग्रेस का जिंदा इनसे ही होगी। कांग्रेस ने अपने राज्य में काम नहीं किए थे? ताऊ जी कांग्रेस ने अपने राज्य में काम किए थे नहीं किए थे? कांग्रेस वाला तो कांग्रेस वाला मोदी ने सड़ा धपू कियो काम। अच्छा, कोई कमी नहीं छोड़ी काम की। डरे तो को बीजेपी में जाओ कह रही से डरे वो आदमी जाओ बीजेपी में मोदी के लारे क्यों बट जया बस एकदम सारा ही दूध धुपे है और बाकी भेड़ीवार हेड़ीवार के नेज का लारे इडी सी भाई ये कांस का जे भेज वो कता दिन बन से वे। अच्छा, इडी डर लगता है इडी और सी भी उंडा नहीं सको बीजेपी में लो मोदी के लारे। पत्रकार साहब, आपकी उम्र कितनी हुई है? सर मेरी तो उम्र से आप क्या लगाओगे? उम्र तो 1 मिनट में आप, उम्र तो लगभग 24 साल की उम्र है। 24 साल है मैं जो छोटा नहीं जना मदारी आया करता मदारी आता तो मैं डमरू बजाता तो मैं बोलता कदरदानो मेहरवानो शाम पर लेवले नेवले की लड़ाई दिखाएंगे आपको। तो घेरो छोटो तो नहीं जना वो मदारी बांग भीड़ भीड़ भी घेरे ना बड्डो कर दे तो फिर वो क्या कर दो एक बच्चे ने सुहा तो बच्चे ने सुहाने के बाद में वो कहते हो आपको क्या नजर आ रहा है? लोग कहता भाई बच्चे की नस है जगी धड़ू अलग नजर आ रही है। वो कहते हो कोई अपनी जगह से हिलेगा तो मेरे बच्चे की जान का सवाल है। और लोगों ने कहे कि वो एकदम बटबान दिया कर दो तो लोग जिग्या हिलता को नहीं। फिर कहते हो मेरे मन पूजा जान के खातर कुछ पीसा चाहिए तो 5 रुपये से कोई व्यक्ति कम नहीं देगा लेकिन कोई जगह से हिलेगा तो मेरे बच्चे की जान का सवाल है। तो वो बैठ करके जिग्या हूँ बटवालन कौन देता हूँ पर जब वो 5-5 रुपया लोगों सेंगनू ले लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद के तो पैसा तो पूरा को नहीं हुआ पैसे और दो तो लोग वो लोगों को बोलता था 2 से कम कोई नहीं देगा मैं नहीं लूँगा 2 से कम दो दो कर दो दो ले लेता। लास्ट में वो कहो खाली हाथ कोई कौन जावे जगह कहीं जो है जो दे लोग 5 पैसा 10 पैसा अभी ने टोटल देता मतलब स्वयं खाली करा लेते। फिर आगे जा सोचा शाम पर नेवले लड़ाई तो देखी को नहीं मतलब वो भी कडार ले जा तो मोदी जी जी की करिए नहीं है बापा में मदारी आड़ जी बा लोगों के पूरी समझ में आ गई एक्चुअल बात तो आ है आज की वो मदारी जगह आपने मतलब मदारी की जिया करी हुए नहीं अब वो आपने समझ में आवे वो हिंदू मुसलमान ही अभी कर जगह जगह ड्रामो करी हुए नहीं अब मन अब लोगों ने सहन लागे बात समझ में आ गई दुनिया के। अब की बात मोदी लिए मुश्किल हो सकती है देखो अगर मतलब प्रजातंत्र सामत साई अगर किकी भी रवे तो मतलब आज़ादी को मतलब ही प्रजातंत्र है और एक्चुअल में बात समझ में तो आ गई है अगर एक व्यक्ति को घटी कोई राज हो गयो तो अभी आज़ादी को क्या फायदा है बच्चे लोग एक्चुअल में जगह गुलामी में आज़ादी के खातर लड़े हैं जगह गुलामी उतंगार एक्चुअल में भी को जग अगर आप अर्थ समझा तो आज केजरीवाल ने जेल में चेप दियो मतलब आप आज़ादी को असली मतलब वो है कि एक आदमी अगर आंदोलन भी करे नहीं क्राइम के खिलाफ तो बिना भी गिरफ्तार कौन कर सके ये तो एक चुनेड़े सीएम ने गिरफ्तार कर लियो बहुत तो मतलब एकदम सहमत सही है। अगर देश को कोई आदमी आज़ादी को मतलब समझे तो आप बहुत बेजाबाद है। अरेस्ट कर लीजिए ना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है आरोप इन पे बिल्कुल भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए भ्रष्टाचार किसी ने भी है उसको सजा होनी चाहिए लेकिन उसकी सुनवाई होनी चाहिए। देश में अपना संविधान कहता है कि अगर उसको एक दिन ही अगर आपने निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया तो वो आपका वो उसको उसका कोई भी पीएम पूरा नहीं कर सकता। विपक्ष एक बड़ा आरोप लगाता है कि मोदी अब की बार फिर आ गए तीसरी बार तो जो ये लोकतंत्र ये खतरे में आ जाएगा और ये जो अपना संविधान है इसको बदल देंगे। देखिए विपक्ष तो आरोप लगाता है पर विपक्ष तो विपक्ष की जाने पर आम जन आरोप लगाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये आम जन को इतने लोग खड़े हैं ना इनको सबको पता है कि मोदी अगर आया तीसरी बार तो लोकतंत्र निश्चित खतरे में है। रोजगार कितना मिला है यहाँ ये बताइए राजस्थान के अंदर?
अभी बताया था ना, कदरदानो मेहरवानो शाम और नेवले की लड़ाई दिखाएंगे, ना शाम था ना नेवला था, और मदारी ढक्के ले गया। मैं दिल्ली से आ रहा था ना, जब मैंने आते हुए समय देखा पोस्टर लगे हुए थे, उन पे लिखा हुआ था 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मोदी जी की गारंटी। देखिए मैं बताता हूँ, 2014 में बहुत बड़ी होल्डिंग लगी हुई लगी रहती थी स्टेशनों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार काला धन लाएंगे, और काला धन इतना होगा कि हर देशवासी के 15 लाख रुपए हिस्से में आ सकते हैं। कहाँ है वो काला धन, कहाँ महंगाई गई, बिल्कुल एकदम है भाई। हाल है लोगों के समझ में आ गई आ बात, बिल्कुल तय है आ बात, राजस्थान के लोगों के समझ में आ गई। ठीक है, एक धर्म की अफीम है, लोगों की पीएडी है, माँ की भी पीएडी पहली, अब हमारे समझ में आ गया कि धर्म की अफीम कोई सार को नहीं, देश की आज़ादी खतरे में है। मोदी सर, मोदी जी गारंटी है, उसमें आप कितना विश्वास मानते हो, कितनी ताकतवर है उनकी गारंटी? बिल्कुल मदारी की क्या गारंटी हुए कदी, मोदी एकदम झूठा प्रधानमंत्री है और मदारी की कोई गारंटी नहीं होती। मदारी तो छाप और नेवले का नाम लेके ठक्के ले जाता है लोगों को। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आप उस पर ऐसा आरोप लगा रहे हो? बस अभी तो प्रजातंत्र चलेगा, आप तीसरी बार आ जाए मोदी आ जाएगा तो नहीं लगाएंगे लोग, कोई नहीं लगाएंगे ऐसा आरोप। आरोप लगाने बंद हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद, कोई नहीं लगाएगा उसके बाद में। ये चुनाव का टाइम है, हर व्यक्ति को प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए हम कह रहे हैं आगे मोदी जी आ गए हैं तो ये लोग नहीं कहेंगे, हमें जब तक मालूम है। सर अब की बार जो नागौर है वहाँ से हनुमान बेनीवाल जीत पाएंगे या कुछ उनका, जो मतलब पिछली बार जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 400 पार का नारा दे रहे हैं तो वो सफल होंगी? नहीं नहीं बिल्कुल जीतेंगे बेनीवाल। कुछ काम वगैरह किए हैं आपके लिए उन्होंने? बिल्कुल, पहलवान आंदोलन है, किसान आंदोलन है, हनुमान बेनीवाल एक ही आदमी था जो गया था। सर तो यहाँ युवा खड़े हैं, मैं देखता हूँ कि नागौर के क्षेत्र से ज़्यादातर आर्मी में जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये जाट बेल्ट और यहाँ के बच्चे ज़्यादातर आर्मी में जाते हैं, तो 4 साल को उनको अग्निवीर बना दिया, तो क्या लगता है कि अभी बच्चे उसी तरह तैयारी कर रहे हैं या छोड़ दी उन्होंने तैयारी करनी? बिल्कुल छोड़ दिए, लेकिन बेनीवाल आएगा तो वापस पूरी हो जाएगी, 100% रखेंगे अग्निवीर खत्म। मतलब यार मैंने पीछे भी देखा था हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई भी लड़ी थी इसके अग्निवीर के खिलाफ, तो उसका भी तो कुछ हुआ नहीं, तो अब की बार आपको उम्मीद है? 50% रख रहे हैं ना, पहले 25% का था, हनुमान बेनीवाल ने विरोध किया तो 50% हो गया। वो तो होगा, जैसे 4 साल की थी वो तो भाई 4 साल की रहेगी ना, वो तो वापस उन्होंने नहीं की ना पहले की तरह? नहीं 50% वापस भेजेंगे, पहले 75% भेजने की बात थी, इसने विरोध किया तभी तो भेज रहे हैं ना, 50% रखने लग गए, और लास्ट में आते वक्त संसद में घुसपैठियों को मार के आया है, यही तो है असली नागौरी सूरा, इसकी बराबरी नहीं कर सकता है कोई भी, इसके मुकाबले में कोई नेता नहीं है यहाँ पे, नहीं है। और हमारी उम्मीदवार तो कह रही है संविधान बदलेंगे, 400 पार कराओ, तालिबान की संज्ञा देती है थड़ी बेल्ट को, हम खुद थड़ी बेल्ट में आते हैं। कुछ मैं पीछे जब आ रहा नागौर के अंदर ही, कुछ लोग कह रहे थे कि इनको सांसद विधायक बना दिया तो ये काम करे ना, लोकसभा का क्या करना इनको, क्यों देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ भेजेंगे? वहाँ जाने काम नहीं कर पाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, अभी क्षेत्र के अंदर यहाँ काम करें ना लोगों के लिए, तो वहाँ पे भी कर सकता है ना, सांसद बड़ा होता है या विधायक, वहाँ कौन है बोलने वाला इसके अलावा? राजस्थान में बहुत फायदा होगा कांग्रेस को, और जाट तो सबसे ज्यादा खुशी अब हुए हैं, बाप बेटा पोता तीनों इकट्ठे हो गए, नहीं तो कोई कांग्रेस में था पहले, बुजुर्ग युवा इसके साथ थे, लेकिन अब सब खुश है, पूरा परिवार एक साथ, एक तरफा लहर है अब की बार, बिल्कुल 4 लाख का मायरा भरेंगे, 4 लाख का मायरा भरोगे? बिल्कुल। तो एक पिछली बार जैसे पीछे जब चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें 25 सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी को आई थी, इसमें एक सीट नागौर की ऐसी सीट थी जो कि RLP को गठबंधन से आई थी, अब क्या कितनी सीट आ सकती है राजस्थान में? तो यही तो लेके गया था ना टायर पे डाल के फूलों को, नहीं तो कहाँ थे 24, इसके अलावा कौन है ले जाने वाला, अब की बार नहीं आएगी बिल्कुल भी 25। इसकी वजह से कांग्रेस की बहुत सारी सीटें जीत रही है, पसीना आ रहा है मोदी को। कितनी सीट आई सर, कितनी सीट आई राजस्थान के अंदर? राजस्थान में कांग्रेस की कम, कांग्रेस और RLP और CPM की गठबंधन की कम से कम 15 सीटें आएंगी, और मैं पहले मोदी के साथ ही था 2019 में, पहले शुरुआत में बीजेपी के साथ ही था, और जाहिल से मैं बीजेपी का मेरे सोशल मीडिया पद भी था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि क्या कारण? कारण ये था कि किसानों के साथ मोदी जी ने बहुत धोखा किया, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और कोई काम नहीं कर, सिर्फ झूठ बोलता है, जुमला फेंकता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ किया नहीं और घोटाला। और सुब्रमण्य स्वामी ने खुद बोला है कि मोदी गद्दार है, देशद्रोही है,
इसने इतना घोटाला किया इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे, जैसे ज्योति मिर्दा है, इसने इंडिया बुल्स कंपनी है, तो इन्होंने चंदा 18-19 में छपा पड़ा था, ये चंदा दे के घुस गई उसमें। रिजवाल मिर्दा जी क्या चल रहा है, तो बीजेपी ऑफिस में चढ़ के बोलते कि आओ मुझको पकड़ लो, तो बीजेपी में जाने वाले कोई भी हो तो वो सब वे एकदम साफ है, दूध के धुले हुए, कोई उसको उनको पकड़ते नहीं है। जाटों के लिए तो इन्होंने बहुत काम किया, किसानों के लिए खासकर, किसानों जो किसान क्षेत्र है उनके लिए आय दुगनी होगी उनकी दुहाई तक। नहीं, जाटों का मतलब नहीं है, जाटों से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने बनवाल जी ने सब समाज के लिए काम किया, चाहे जाट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुछ भी हो, सब के लिए मुद्दा उठाए। अभी डीडवाना में मायने एक किसी की हत्या हो गई तो उसके बारे में भी बीजेपी ने बोला जांच करो उसकी, और कहीं भी कोई भी शोषित पीड़ित है उनके वहाँ हक के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। ज्योति क्या करती है, कभी आती नहीं है हमारे यहाँ, वो तो हरियाणा चली जाती है भाई, है ना, सास रे मिच्छो के लागे, ठीक है ना, गाँव में तो होली दिहाड़ी आ जाओ ठीक है, लेकिन सास रे छो के लागे तो थाने ले चाला मायरो भरवाने अट ऊंट सगड़ा जाई जो थाने हरियाणा चाला ते साथ चाल जो मायरो भरा 1 करोड़ को बटे एक में अट मायरो भर जा में अट वो चुनाव वाले चुनावी मायरो है ना वो मैं कम कम 4 लाख को भरा, और वो रिपिया को मायरो है ना 1 करोड़ को वो बटे हरियाणा में करा। सर मैं एक जैसे फिलहाल राजस्थान में आया हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ राजस्थान में, पता नहीं जैसे यूपी साइड जाते हैं तो हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे वोट ज़्यादा बटोर जाते हैं, तो राजस्थान में भी ऐसा कुछ है कि जाति के नाम पे बटोर बटोरे जाते हैं या जनता? नहीं नहीं, जाति के नाम पर कोई वोट नहीं पड़ेंगे अब के बार, है ना, सब बीजेपी का काम है, वो बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम के साथ, हिंदू धर्म के भाई मोदी जी मस्जिद में जाते हैं, सब जगह मस्जिद में जाते हैं, राम मंदिर बना तो वहाँ पे मुसलमानों के लिए मस्जिद भी बनी है ना, ये सब धोखा देते हैं, मोदी एकदम झूठा है एकदम पूरा। इंदौर के अंदर सब जगह मुसलमानों के पास जाते हैं मोदी जी, और मणिपुर के माय कितने दिनों से चल रहा है, यहाँ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम धारा 370 हटा दी, तो वहाँ पे एक एक आदमी ने वहाँ जमीन ली है क्या, आज भी वैसा ही चल रहा है मणिपुर में, कम से कम अभी 2 साल से वहाँ दंगे फसाद हो रहे, लड़ाई झगड़ा हो रहे, मोदी गया क्या वहाँ पे, कभी नहीं जाता है। एक बात है, जब भी दंगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपस में 2 समुदायों की लड़ाई हुई है, किस पार्टी को फायदा हुआ आप बताइए, आप बताइए। सर देखिए अभी मैं इसमें तो आपको क्या बता सकता हूँ, झगड़ा और दंगा जब भी हुआ है ना तो किसको फायदा हुआ है, आप किसी को पूछ लो, झगड़े और दंगे से बीजेपी को फायदा हुआ है, और वो बीजेपी वाले झगड़ा और दंगा करवाते हैं अपने फायदे के लिए, ये बात तो जग जाहिर है कि झगड़ा होने से बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी झगड़ा करवाती है। अच्छा एक सेकंड बात ये है, आप मान लो आप मुसलमानों के लिए कहते हो, एक इतने बड़े ठीक है असामाजिक तत्व मुसलमानों में होंगे, असामाजिक तत्व हिंदू में भी होंगे, लेकिन एक बड़े समुदाय को आप देश का दुश्मन बताते हो कि ये पूरा समुदाय देश का दुश्मन है, और रोज बताते हो दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है, अगर वो दुश्मन नहीं भी है तो आप उसको उकसा रहे हो, उस समुदाय को उकसा रहे हो कि देश का दुश्मन बन जाए, देश के प्रति उसकी भावना है जो गलत हो जाए, ये हो रहा है देश में। पर अब आम नागरिक इस बात को समझ गया है, अफगानिस्तान में कम से कम 5,000 करोड़ रुपए दिए संसद बनाने के लिए, तो वहाँ आज तालिबान बैठ गए वहाँ पे, क्या फायदा इस वजह, अच्छा 5,000 करोड़ रुपए यहाँ किसानों को देना था, दूसरी बात किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, वो कहते हैं मैंने तो किसानों के लिए बहुत काम किया है, लोगों को बहुत 6,000 रुपए दिए तो उससे 6,000 रुपए से कुछ नहीं होता है, आज मोटरसाइकिल है ना 5,000 की 1 लाख रुपए की हो गई, हर मोटरसाइकिल है, छोटी गाड़ी है, कोई ट्रैक्टर लेते हैं तो कितनी कीमत बढ़ गई, उन वो चीज़ों की कीमत भी बढ़ी है ना, डबल कीमत हो गई, यानी 70 साल में 50,000 थे ना तो आज 5-7 साल में उसकी 1 लाख कीमत हो गई, 10 साल में है ना, 10 साल मोदी सर रहा तो 1 लाख कीमत हो गई उसकी, क्योंकि कंपनियों ने मोटरसाइकिल कंपनियों ने उनको है ना मोदी सरकार फंड दिया तो उनको बोल दिया कंपनी बढ़ा दो इसको रेट, ये बात है। और आज है ना कि जनधन खाते हैं तो खाते तो खुलवा दिए तो उनमें कोई पैसे ही नहीं है, खाते बंद पड़े, यानी कम से कम जनधन खाते में 30-40% ऐसे खाते हैं उसमें तो साफ पैसा भी नहीं है एक भी। ताऊ जी अब क्यों हनुमान मेरी बार जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, यहाँ से जीत ही खड़ा हुई जगह जीत ही भाई, हार ही क्यों, मैं हार ना क्यों, कहाँ खड़ा हुई जगह जीत ही। आप वोट दोगे, आप किसको वोट दोगे ना, वोट मारे इंच
जिन्होंने कहा आपके लिए काम किए नहीं किए काम सगड़ा खड़ा हुए जगह कर रही है भाई खड़ा हुए जगह काम तो कर दिया नहीं और पेंसिल बंद कर दिया जगह डरता कौन के आंटा है के अबार अड़मान हार जावे जन आ रे पेंसिल कर दिया बंद है जना कौन के वे मैं के वहां अड़मान जीती पूछो पूछो बाबे ने डरते नहीं बोल रहे मैं तो हारने को किसी कोई कौन को डर से नहीं बोले नहीं पेंसिल कट जाएगी ये तो ऐसे ही बोलता है पेंसिल नहीं मिलेंगे तो भूखे मरेंगे नहीं कोई पेंसिल के पे थोड़ी बैठे हैं ये भाई साहब कह रहे हैं यार अरे भाई साहब कह रहे हो कोई तो हम पेंसिल के ऊपर थोड़ी बैठे हैं देखो भाई साहब ये कह रहे हैं पेंसिल से काम चलेगा हमारा नहीं तो भी अपन जाते हैं दस दिन होता है आज आधार कार्ड लिंक करो आज ये करो वो गाड़ी गाड़ी वाले से बात करो हाँ जी हाँ अंकल जी मैं ये पूछा था हनुमान बेनी वाले यहाँ से क्या लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे प्यारे जरूर मैं जीता भी नहीं तो कुछ काम वगैरह किए नहीं किए उन्होंने काम नहीं उनकी मांग दलाल कर रही मैं काम नहीं किए बीजेपी ने बहुत काम किए वो कहते हैं भारतीय काम करो गंदा पानी भी मोदी जी ने कुछ काम नहीं किए मोदी जी कहेंगे जी मोदी जी घाटो देश पूरे में बहुत ही फायदे किए लोगों को मारे कौन के जो फायदे मारे जो हाल है अच्छा धन लगे तो भाई देख लियो फायदे को लगे हनुमान बेनी वाले को आप जिता के लेके आओ दोबारा से कोई किरोड़ में वोट डाउन जीता राजस्थान में अभी यार फिर कितनी सीटें आई मगर अंदाज भाई 16 सीट जहाँ 16 सीट आई कांग्रेस को 16 मुकम को नहीं आई कि पिछली बार जीरो थी पिछली बार जीरो बोली आप कर दिया आपा अब कर दो पूरी है पैसा दे दो बस है अच्छा पैसा दो ने मेरे साथ है अब यार पूरी कर दो है मेरे साथ दिया मेरे साथ दिया आपके पूरे लिया 16 अच्छा अच्छा 16 मुकम बोल भाई 16 कम नहीं है हां भाई साहब अब क्या नागौर में क्या होने वाला है हनुमान बेनी वाले जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे बेनी वाले जीत रहा हाँ 1000% का 2000% वोटी मिलती है उनका फिर कुछ नहीं होगा अब की बार यहाँ से मिर्दार के नहीं बंटे पहल के नहीं बाईपास और भी और निकल जाएगा 1000% हमने किसानों के लिए काम किए हैं लोगों के लिए काम किए हैं हनुमान बेनी वाले तो मतलब एक ऐसी राजनीति करते हैं बेनी वाले काम भले मत करो राजी हाँ हनुमान बेनीवाल अड़ो आदमी संसद में नहीं कोई अंत मतलब उग्रवादी टाइप लोग घुस जाए नहीं डुख टेकन एक ही आदमी आलो ज्योति मिर्द अड़ो काम नहीं हुआ है ना मतलब संसद हनुमान बेनीवाल इन वास्ते ज्यादा जरूरी है उग्रवादी किसी टाइम मतलब संसद में भी टाइम घुसा एक बार आपने भी जाना है तो मतलब एक खतर वो सांसद जरूरी है ज्योति मिर्द अड़ो काम नहीं हुआ कोई मतलब उग्रवादी आ जाए Yes, इस समय हम मौजूद थे नागौर के इलाके में जहां हम लोगों से बातचीत की और समझने का प्रयास किया कि 2024 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे होने वाला है और हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी और इंडिया गठबंधन के दो प्रत्याशी हैं वो कितनी टक्कर में है और जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।